नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। भारत बंद से पहले कृषि कानूनों पर समाधान क्यों नहीं? झारखंड बिहार आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में बढ़ता वामपंथी दलों जन संगठनों समेत पूरे विपक्ष का जन अभियान। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 32,981 नए मामले, आज 5 महीने बाद 400 से कम मरीजों की मौत। हमारी चौथी और आखिरी खबर, देश के प्रमुख लेखक और सांस्कृतिक संगठन भी 8 दिसंबर के भारत बंद के साथ। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच शनिवार को हुई वार्ता भी बेनतीजा खत्म हो गई। सरकार चाहती है कि किसान नेता फिर 9 दिसंबर को वार्ता के लिए आए। सवाल यह उठता है, सरकार 8 दिसंबर को आयोजित किसानों के भारत बंद को टालने का भी कोई पहल क्यों नहीं करती? वह वार्ता के नाम पर इतना वक्त क्यों ले रही है? 3 कानूनों पर किसान अपना मत पहले ही बता चुके हैं, फिर इन बेनतीजा 5 चक्र की वार्ताओं का क्या मतलब है? इन सर्द रातों और कोरोना के खतरनाक दौर में सरकार देश के अन्नदाता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? आइए देखते हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का विश्लेषण। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के जो नेता हैं उनके बीच जो बातचीत का 5वां चरण आज चला वो बेनतीजा खत्म हो गया। नतीजा निकलने की गुंजाइश भी बहुत कम थी। हालांकि कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद 8 दिसंबर के भारत बंद के आह्वान के कारण हो सकता है कि सरकार दबाव में आई हो और वो कुछ समझौते करने पर तैयार हो जाए, लेकिन सरकार संशोधन कुछ कानूनों में करने के MSP और APMC को लेकर के मंडी को लेकर इसके अलावा किसी भी विषय पर बातचीत करने को राजी नहीं नजर आई। जबकि किसानों का कहना था कि किसी भी कीमत पर वो तीनों जो किसान विरोधी कानून हैं जिनके बारे में पूरे भारत के किसानों का 100% जनमत तैयार है कि वो किसान विरोधी कानून है, और अब तो मजदूरों का, निम्न मध्यवर्ग के लोगों का, ट्रांसपोर्टर्स का और तमाम तरह के लोगों का उसको एक समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम इन कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, सरकार को तीनों कानून अपने वापस लेने पड़ेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट और विदेशी कंपनियों की मदद के लिए लाए गए हैं तीनों कानून। ऐसे में किसानों पर लादे गए इन कानूनों को हमें हरगिज स्वीकार्य नहीं है तीनों कानून। ये जो डेडलॉक था यही वो गतिरोध का बिंदु है जो शुरू से अब तक चला आ रहा था और आज 5वां चरण खत्म हो गया। अब भारत सरकार का हाल देखिए, मतलब इतनी ताकतवर सरकार कहा जाता है इसको, कहा जाता है कि ये प्रचंड बहुमत की प्रचंड सरकार है जिसके पास इतना ताकतवर केंद्रीय नेतृत्व है, लेकिन आश्चर्यजनक मजाक बना दिया गया है वार्ताओं को कि आज जो हम लोगों ने बात सुनी, तमाम पत्रकारों को ये बात किसान नेताओं ने बताई है कि वहां पर मंत्रियों के पास अधिकार ही नहीं था कि वो किसी बातचीत को और आगे ले जाएं। जब किसानों ने कहा कि हम आपके प्रपोजल क्या हैं ये लिखित तौर पे हमें आप दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस पर बात करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि 4 चरण की बात हो चुकी थी, 4 चक्र की बात हो चुकी थी, 5वें चक्र में भी अगर आप लिखित तौर पे किसानों को जिनसे आप निगोशिएट कर रहे हैं उनसे अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ठोस बातों को नहीं पेश कर पा रहे हैं कि सरकार कहां तक पीछे हटने को तैयार है, कंप्रोमाइज का वो पॉइंट क्या होगा, किसानों ने कह दिया अपनी बात कि आपने हमसे कभी कंसल्ट नहीं किया इस कानून के लिए इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। अब 8 दिसंबर को उन्होंने आह्वान किया है भारत बंद का जिसको व्यापक समर्थन मिल रहा है, और तब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वहां पर बैठे मीटिंग में वो ये कह रहे हैं कि हमें इस पर और बात करनी होगी। तो कितनी बात आप करेंगे? तो क्या जो किसान पूरे देश से आए हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के सर्वाधिक हैं, उनको इन सर्द रातों में क्या आप चाहते हैं कि लगातार वो पड़े रहें अपने बाल बच्चों के साथ? क्योंकि बहुत सारे जो किसान हैं वो अपने बाल बच्चों के साथ आए हुए हैं, परिवार के परिवार वहां पर रह रहे हैं, पूरा का पूरा नगर गांव मोहल्ला बसा हुआ है। तो क्या आप चाहते हैं, आप किस तरह के जनतंत्र का मॉडल इस देश में पेश करना चाहते हैं कि ईमानदारी से
पूरी तरह अहिंसक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं किसान, उन किसानों के इससे बड़ा सत्याग्रह मैं नहीं समझता कि कुछ और हो सकता है। जब किसान कह रहे हैं कि आपके बिल किसान विरोधी हैं, और जितने कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, उनका भी पूरी दुनिया में एक बड़ा हिस्सा है जो कह रहा है कि बिल्कुल ये किसान विरोधी कानून है, और तब भी सरकार इन सर्द रातों में किसानों के साथ निगोशिएट करने को तैयार नहीं है। एक सप्ताह से अधिक बीत गया है, कुछ ही 3-4 दिन में 2 सप्ताह पूरा हो जाएगा। 8 दिसंबर को भारत बंद है, लेकिन भारत सरकार पर ऐसा लगता है कि उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो अब उनका कहना है कि हम इस पर ऊपर बात करेंगे। जब आप ऊपर बात करके ही विज्ञान भवन में आते हैं, तो विज्ञान भवन में ये कहने की किसानों को क्या मतलब है, क्या जरूरत है कि हम और बात करेंगे, ऊपर और बात करनी होगी हमें आपकी बात सुनने के लिए। किसानों ने तो अपनी बात पहले ही सुना दी है, तो आप किस लिए किसानों को बार बार बुला रहे हैं? ये 5वीं बार आपने क्यों बुलाया? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस देश की जो एक सबसे उत्पादक जो एक 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 कम्युनिटी है किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं आप, छाती पीटते हैं जिसके लिए, और उसका आप इस तरह से मजाक उड़ाते हैं, इस तरह उसको अपमानित करते हैं कि 4-4 चरण, 5वां चरण आज था, इतनी बातचीत के बाद फिर जहां से बातचीत शुरू हुई थी आप वहीं जा रहे हैं कि हमें बात करनी होगी, क्या बात करनी होगी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि सरकार पूरी तरह नॉन सीरियस है। सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के दुख दर्द को लेकर जिस तरह से एक एक बहुत ही नॉन सीरियस ढंग से सामने आई है, वो आज की वार्ता में भी सामने आ गया, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। और इनका कहना है कि 9 दिसंबर को 11 बजे बात करेंगे, सरकार का कहना है, ये प्रस्ताव है। इसका मतलब कि सरकार 8 दिसंबर के भारत बंद को नहीं चाहती कि उसको टाल दिया जाए। कोई भी सरकार जो जिम्मेदार सरकार होती है कहती है कि भारत बंद या किसी भी तरह के बंद को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार चाहती है कि भारत बंद हो जाए और भारत बंद में तमाम तरह की बातें हों। हम नहीं जानते कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या कोई परियोजना चल रही है पर्दे के पीछे से, तो ये भी समझना मुझे लगता है बहुत गौरतलब है। क्या इन 2-3 दिनों के अंदर कुछ ऐसी कोशिशें की जाएंगी जिससे कि किसान आंदोलन को डिसरप्ट किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, उसको किसी तरह से बदनाम किया जाए? मैं समझता हूं कि ये अगले 2-3 दिन बहुत नाजुक हैं, जब भारत बंद के इशू पर भी कोई भारत सरकार ने अभी तक कॉग्निजेंस नहीं लिया कि कैसे किसानों से निगोशिएट करें और एक शांतिपूर्ण समाधान इन चीजों का निकालें। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे दुनिया के वैश्विक मीडिया में इसकी चर्चा चल रही है। क्या और क्यों भारत सरकार इतनी हेजिटेंट है, क्यों वो नॉन सीरियस है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। देश के किसानों का लोकप्रिय प्रतीक बन चुके राजधानी दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर जारी किसानों के आंदोलन के समर्थन में झारखंड और बिहार में वामपंथी दलों, जन संगठनों के साथ साथ गैर भाजपाई सभी विपक्षी दलों का भी सड़कों का अभियान निरंतर जारी है। 6 दिसंबर को झारखंड की राजधानी रांची में किसानों द्वारा आहूत 8 दिसंबर के भारत बंद के समर्थन में सभी वामपंथी दलों तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत अन्य कई सामाजिक संगठनों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर संयुक्त प्रदर्शन कर आंदोलनकारी किसानों के प्रति एकजुटता जाहिर की। इसके माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा खेती किसानों को कॉरपोरेट कंपनियों के गुलाम बनाए जाने की नीतियों व साजिशों के खिलाफ भारत बंद को जोरदार रूप से सफल बनाने का आह्वान किया। हम बताते चले कि 6 दिसंबर की ही शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने ट्वीट में भारत बंद का समर्थन करते हुए लिखा कि झामुमो परिवार भी इसका सक्रिय समर्थन करेगा। हमारे मेहनती किसान देश की आन बान शान है। देश के मालिक को मजदूर बनाने की केंद्र सरकार के षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड में भी उलगुलान होगा। 5 दिसंबर को प्रदेश के वामपंथी दलों के पूर्व घोषित आह्वान के तहत झारखंड के विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे स्थानीय प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया। कई स्थानों पर चक्का जाम अभियान चलाकर सड़कों पर प्रतिवाद कार्यक्रम हुए, जिसके तहत रांची, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम तथा गढ़वा पालुम जिला के कई प्रखंडों के विरोध कार्यक्रमों में मोदी सरकार का पुतला भी जलाया गया।
कोयलांचल के कई इलाकों में किसानों के समर्थन में कार्यक्रम संगठित किए गए। बिहार में सभी वामपंथी दलों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल समेत महागठबंधन के सभी दलों ने भी 8 दिसंबर के भारत बंद का सक्रिय समर्थन किया। किसानों के आंदोलन के समर्थन में 5 दिसंबर को पटना गांधी मैदान के बाहर बिहार विधानसभा क्षेत्र प्रतिपक्ष में के नेतृत्व में महागठबंधन द्वारा धरना भी दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के जारी आंदोलन के पक्ष में पूरा विपक्ष एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत की आलोचना करते हुए कहा कि जब तक मोदी सरकार नए काले कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती, हम किसानों के आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी कि 7 दिसंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,981 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा देश में आज 5 महीनों बाद 400 से कम यानी 391 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 39,109 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में से 6,519 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 96,77,203 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,40,573 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.44% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 91,39,901 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 4.09% यानी 3,96,729 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 14,77,87,656 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 8,01,081 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। देश के प्रमुख लेखक सांस्कृतिक संगठनों ने किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए 8 दिसंबर के देशव्यापी बंद को पूर्ण रूप से समर्थन देने की घोषणा की है। न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव, दलित लेखक संघ, अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच, प्रगतिशील लेखक संघ, जन सांस्कृतिक मंच, इप्टा, संघवारी प्रतिरोध का सिनेमा और जनवादी लेखक संघ ने आज 6 दिसंबर को किसान आंदोलन की मांगों और 8 तारीख के भारत बंद के समर्थन में बयान जारी किया है। वह बयान कुछ इस प्रकार है। भारत का किसान, जिसके संघर्षों और कुर्बानियों का एक लंबा इतिहास रहा है, आज एक ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ा है। हजारों लाखों की तादाद में उसके नुमाइंदे राजधानी दिल्ली के विभिन्न सरहदों पर धरना दिए हुए हैं और 3 जनद्रोही कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिनके जरिए इस हुकूमत ने एक तरह से उनकी तबाही और बर्बादी के वारंट पर दस्तखत किए हैं। अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए किसान संगठनों की तरफ से 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि ये तीनों कानून, जिन्हें महामारी के दिनों में पहले अध्यादेश के जरिए लागू किया गया था और फिर तमाम जनतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रखते हुए संसद में पास किया गया, किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन यह बात बहुत साफ हो चुकी है कि इनके जरिए राज्य द्वारा अनाज की खरीद की प्रणाली को समाप्त करने और इस तरह बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए ठेका आधारित खेती करने तथा आवश्यक खाद्य सामग्री की बड़ी मात्रा में जमाखोरी करने की राह हमवार की जा रही है। लोगों के सामने यह भी साफ है कि यह महज किसानों का सवाल नहीं, बल्कि मेहनतकश आवाम के लिए अनाज की असुरक्षा का भी सवाल है। अकारण नहीं है कि किसानों के इस अभूतपूर्व आंदोलन के साथ खेत मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों के संगठनों तथा नागरिक समाज के तमाम लोगों संगठनों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।